दो ट्राइंगल में हमें सिमिलर हाइट सब चाहिए। नंबर 19 का एग्जांपल है ना, पहले के लिखो ट्राइंगल का नाम, ट्राइंगल का नाम है PMN और उसका है UV। बताओ ए टेस्ट लग सकती क्या अभी जैसे पढ़े थे? ए टेस्ट के लिए इसके दो एंगल और इसका भी एंगल है, कौन सा? एम। इसके साथ इक्वल है बी के साथ, है इक्वल। तो बताओ रीजन क्या लिखेंगे? बताओ अब हमें क्या लिखना पड़ेगा? क्योंकि अब ऐसा दिया है क्या 70-70 डिग्री, 100-100 डिग्री दिया नहीं। यहाँ पे वैसा दिया होता तो क्या लिखते, ईच ऑफ 100 लिखते थोड़ी देर पहले क्या था। यहाँ पे एक्चुअल क्या लिखना पड़ेगा? इवन लिखना, क्योंकि ये दिया। लेकिन आप बताओ एंगल इक्वल पता है, लेकिन दूसरा एंगल है क्या? पता, इसका दूसरा कौन सा और उसका दूसरा कौन सा? नहीं पता। इसने ए कैंसिल, फिर बताओ ए कैंसिल होगी, तो बताओ एस 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 के लिए कितने रेशो चाहिए? तो बताओ एक एक ऊपर लिखना पड़ता है, बताए ना 6 और 10। बताओ दूसरा है क्या? याद है क्या रफ वर्क है? दूसरे वाले के नीचे, दूसरे वाले के कितने दिए? ये 3 है क्या? ये कितना है? 5। बताओ 3 और 5 कहाँ पे लिखो? और इसका भी कितना है? 2। बताओ क्या लिखोगे? 6/3 और ये 10/3, 6/3 2, 10/5 2। ऐसा है, लेकिन अब क्या बचा है? नाम लिखना अभी भी बाकी है। बताओ 6 यानी कौन और 3 यानी यूवी बोले या वीयू बोले? बताओ 5 यानी, बताओ दो साइड के, दो साइड के साथ रेशो कैसे आ गए? फ्रॉम 1 एंड 2। क्या लिखना? ये जो रेशो है, पहला रेशो और दूसरा रेशो ऐसे है सेम, तो दो साइड के रेशो है, ऐसे ऐसे नहीं हो सकता। तो दो साइड और एक एंगल, तो कौन सी टेस्ट बनती है? तो बताओ लेकिन लेकिन एंगल किसके बीच का चाहिए? दोनों साइड के साइड। बताओ वो है क्या बराबर? जो दो साइड आपने यहाँ पे बताई है उनके बीच का चाहिए, प्रोपोर्शनल साइड्स। तो प्रोपोर्शन साइड के बीच का ही तो एंगल है, सही है। देयरफॉर क्या हो गया? ट्रायंगल PMN सिमिलर ट्रायंगल रीजन बाय वेरी गुड। एक बात बताइए आप सभी मुझे, दूसरे का नाम तो सोच समझ के लिखना है ना, कोई बता सकता है पहले किससे शुरुआत करूँ? एंगल सबसे अच्छा रहता है हमेशा याद रखना। आपको कोई एंगल बताया क्या? बता कौन यम का किसके साथ? बी के साथ। आपने लिखा भी तो है ना, यम का किसके साथ? बी के साथ। तो बोलो यम का बी के साथ है ना, तो यम कहाँ पे? बी भी कहाँ पे है ना, तो फिर बचे कौन से दो नाम? नहीं इससे दो कौन से बचे वो आपको बताया क्या? नहीं। तो फिर दो तरीके से लिखो, ये तो फिक्स है, अब इसको हटाना। अब बचा यू और डब्ल्यू, इधर यू उधर डब्ल्यू या फिर इधर डब्ल्यू उधर यू, ये समझे क्या? दो जनों का रख ना कहाँ पे रखे, या तो स्टार्टिंग एंडिंग में इधर यू उधर डब्ल्यू को, या डब्ल्यू इधर यू उधर यू, बीच को तो हला नहीं सकते, वो तो फिक्स हो गया। क्योंकि यम की जोड़ी किसके साथ है? वी के साथ। यम बीच में तो वी पिच, वो फिक्स हो गया। अब यू और डब्ल्यू या तो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, तो वैसे एकदम सही है। बताओ कैसे चेक करें? अब हम एंगल का सपोर्ट ले नहीं सकते, यह चाहिए। अब हम एंगल का सपोर्ट ले नहीं सकते, किसका सपोर्ट लो? साइड से। चलो नीचे का नाम बताओ, बताओ PM का जोड़ीदार इधर रे, इधर आपने नाम लिखा ना, ये चेक करना है ना, तो उधर काय को देख रहे हो? ये देखो ना, PM का जोड़ीदार WV, WV बोलो या PW बोलो, बताओ है क्या? PM का जोड़ीदार WV है क्या? WV तो नहीं है, यू है, यू यूवी है क्या? ये यूवी। चलो मैच नहीं हो रहा है ना, कैंसिल तो दो, पहला मैच नहीं हुआ तो क्या ये वाला हो सकता है? PM का जोड़ीदार यूवी है क्या? MN का VW है क्या? यही नाम चाहिए। तो पहले किसका सपोर्ट लिया था आपने? एंगल। एक एंगल कोई भी पता हो तो अच्छा है, जैसे आपको यम पता था, यम का भी यम बीच में, तो भी बीच में डाल देना, फिर बचे हुए दो इधर उधर कर देना। एक बात बता, अगर मैंने ट्रायंगल का नाम ऐसे लिखा होता तो
यम पी एन। देखो पहला नाम तो मेरे लिए छह से लिखना है किसी भी को, दूसरे का थोड़ा सोच समझ के बाय एस ए एस टेस्ट ऑफ सिलीटर। पहला नाम तो कैसे लिखूंगा ना, चलो बताओ कौन सा एंगल तुम्हें पता है, यमच पता है ना, बताओ यम कहाँ पे, मैंने यहाँ पे कहा लिखा है स्टार्टिंग में लिखा ना, तो यम का जो उधर दिए ना यम स्टार्टिंग में तो फिश का है, मैंने यम को स्टार्टिंग में लिखा तो फिश स्टार्टिंग में आएगा, यम बीच में था तो बीच में आएगा, चलो तो यम स्टार्टिंग में तो फिश स्टार्टिंग में, बचे दो लेटर ई और डब्ल्यू। अब बताओ उसको कैसे लिखे, यू डब्ल्यू लिखो या फिर डब्ल्यू लिखो, ये होगा ना। अब बताओ दो में से कौन सा नाम सही रहेगा, पहला या दूसरा, बताओ एम पी। अब किसका सपोर्ट लेना, साइड का, बताओ एम पी की साइड क्या होती है, बी डब्ल्यू, बताओ एम पी की बी डब्ल्यू है क्या, ये एम पी बोल सकते हैं उसको, एम पी उसकी बी डब्ल्यू है क्या, ये कैंसर, ये वाला बताओ, बताओ एम पी की बी यू, एम पी की बी यू है कि नहीं, आगे पीछे बोल सकते हैं एम पी की बी यू, साइड को आगे पीछे बोल सकते हैं, है बराबर। बताओ पी एन की यू डब्ल्यू, पी एन एस बी एस एल वाला, पी एल यहाँ पे है क्या, पहले तो उसको चेक नहीं कर सकते, किस तरह चेक करोगे, एम एन साइड की बी डब्ल्यू है क्या, एम एन की बी डब्ल्यू मैच हो रही ना, जितना अपने पास है उतनी मैच होनी चाहिए, अपने पास दो दो है तो दोनों मैच हो रही हो रही ना, इसलिए या तो अगर मैंने पी एम एन लिखा तो यू बी डब्ल्यू नाम आएगा, एम पी एन लिखा तो सी यू डब्ल्यू नाम आएगा, जैसा मैं ये लिखूंगा उस हिसाब से उधर नाम आएगा, ये तो नाम अपनी इच्छा पर रहता है ना लिखना, ये अपनी इच्छा पर रहता है कैसा भी। हाँ कल एक बात बता दी याद है कि अगर वही पे दिया होगा पिक्चर में तो इतना सोचना पड़ता है क्या, छापने का काम हो सकता है, करो बोलो कैसे लिखते हैं, इन ट्रायंगल एक्स वाई इक्वल कर लिखो भाई, नहीं लिख सकते आप एंगल इक्वल, कितने एंगल इक्वल है, दो इक्वल है क्या, कौन से दो दो इक्वल है, एक एंगल इक्वल है, दो दो इक्वल, बताओ इसका कौन सा, इसका इक्वल है, रीजन ये वजह है ना, बताओ और साइड्स दूसरा एंगल इक्वल है क्या, एक अच पेयर बने आपने, पेयर एक अच बनी एक एक, बताओ दूसरा और इक्वल होता तो कौन सी टेस्ट करती, ए ए के लिए कितने एंगल चाहिए, दो एंगल ना, ये का जो एंगल इक्वल है ना दूसरा इक्वल है क्या, ए टेस्ट नहीं थी, फिर कौन से टेस्ट कराएंगे हम, एस 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 करके देखिए, एस 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 के लिए कितने चाहिए, तीन, बोलो तीन की पेयर बन सकती है क्या, ये 14 20 1 इसके दूसरी है क्या, एस एस इसकी दो साइड ऊपर इसकी दो नहीं, कौन सी लिखनी चाहिए, 30 और 21 और इससे कटूंगा, आया पहले हम लिख देते हैं यहाँ बोलो कितना, 14 और 20 और ऊपर क्या होगा, ये रेशियो सेम है ना, तो रेशियो सेम है बराबर, और फिर एंगल भी सेम है, कौन सी टेस्ट लगी, बराबर है, साइड्स के रेशियो दो सेम आ गए ना, और एंगल बीच का है क्या, तो टेस्ट लगी क्या, आप तो हाँ, दो साइड्स के रेशियो सेम है वो ठीक है, लेकिन एंगल भी सेम है वो भी ठीक है, लेकिन एंगल कौन सा चाहिए उन प्रोपोर्शनल साइड्स के बीच का, आपकी प्रोपोर्शनल साइड्स कौन सी, एक्स वाई और वाई जेड, उधर की कौन सी, एम एन और एन पी, उनके बीच का एंगल बताओ कौन सा है, एक्स वाई और वाई जेड के बीच में कौन आता है, इन दोनों साइड के बीच में कौन आता है, और इन दोनों साइड के बीच में कौन आता है,
है और यहाँ इक्वल दिया है क्या? इक्वल दिया है ना कौन, लेकिन कौन जेड और पी जो हमारे काम का नहीं है। अपनी एसएस टेस्ट में एंगल कौन सा चाहिए? दो प्रोपोर्शनल साइड्स के बीच जो आपकी प्रोपोर्शनल साइड्स है लेंगे कि जेड और पी ये एंगल इक्वल भले ही है लेकिन ये एंगल अपने प्रोपोर्शनल साइड्स के बीच है क्या है ना। बट एंगल जेड एंड एंगल पी आर नॉट द एंगल्स बिटवीन टू गिवन प्रोपोर्शनल साइड्स। जेड और पी आर नॉट द एंगल्स बिटवीन टू गिवन प्रोपोर्शनल साइड्स। ये गिवन नहीं लिखा तुम्हें चलेगा, जो टू प्रोपोर्शनल साइड्स है ये वाली प्रोपोर्शनल उनके बीच का एंगल नहीं। देयरफॉर ट्रायंगल एक्स वाई जेड एंड ट्रायंगल एम एन पी आर नॉट ये दोनों सिमिलर नहीं है। आप जब भी कॉन्सिक्वेंस लगाते हो ऐसे ऐसे हमेशा पहले साइड लिखना चाहिए और एंगल का लिखना चाहिए बाद। पहले देख लेना चाहिए कि तीनों साइड तो दी नहीं है ना, दोस्त तो दी है तो ऐसे ऐसे लगेंगे ऐसे ऐसे लगेगा। तो पहले साइड का कर लेना चाहिए ये पूरा और उसके बाद क्या लिखना चाहिए एंगल का, एंगल का बात भी लिखना चाहिए। एंगल जेड इक्वल एंगल पी रीजन यानी ये जो स्टेप यहाँ पे लिखी है एंगल वाला वो बात करें पहले साइड का कर लेना चाहिए उसके बाद एंगल का लिखना चाहिए और अगर है तो फिर भी इनको सिमिलर है। लेकिन ये एंगल इक्वल होगी भी अपने काम के लिए, क्यों नहीं काम के क्योंकि जेड और पी एंगल वो प्रोपोर्शनल साइड्स के बीच का नहीं। प्रोपोर्शनल साइड ये दो इनके बीच में वाई आता है इसके बीच में ये आना था, हमें वाई और एन इक्वल चाहिए वो दिए नहीं है। बताओ इसके पहले आपने अभी कौन सा प्रॉब्लम किया? आप देखो आप टेक्स्ट बुक में देखो, टेक्स्ट बुक में देखो ठीक है। बता दो साइड कौन सी थी, सिक्स और टेन और वो कौन सी थी, थ्री और फाइव। बताओ उनके बीच का एंगल दिया था कि नहीं? अरे एंगल पाया ना। सेकंड प्रॉब्लम सिक्स और टेन और उधर थ्री और फाइव उनके बीच का एंगल कौन सा दिया था? एम और बी दिया था ना बराबर, यानी बराबर वो एंगल कौन सा था दो साइड्स के बीच का, इसलिए वो एंगल ऐसे टेस्ट की थी। इसमें भी एंगल दिया है लेकिन वो दो साइड के बीच का नहीं है इसलिए टेस्ट नहीं लगा, ऐसे एस नहीं लगे तो बाकी भी नहीं लगती। ऐसे एस के लिए क्या चाहिए? तीन साइड और यहाँ पे कितने रेशो बनते हैं? दो, वो भी नहीं लगती। ए टेस्ट पहली वाली वो क्यों नहीं लगती? ए ए उसमें इसके दो चाहिए उसके भी दो चाहिए, इसका एक दिया उसका भी एक दिया, इसका मतलब ए भी नहीं लगती तो हर तरह से फेल हो गया नहीं, इसलिए ये ट्रायंगल सिमिलर है वैसा बोल। वन पॉइंट थ्री का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको बोला ये दो ट्रायंगल सिमिलर है क्या, क्या सब कुछ है। एक बात बताओ सिमिलर है क्या वो तो पता नहीं हमें, पता है क्या बताओ, शो करके बताओ सिमिलर है क्या। तो सिमिलर है क्या कैसे बताते हैं? टेस्ट से बताते हैं। बताओ एस 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 टेस्ट के लिए कितनी साइड चाहिए थी और एस एस के लिए कितनी साइड चाहिए दो, यानी इन दोनों में साइड की जरूरत पड़ती है और आपको इस प्रॉब्लम में कोई भी साइड दी नहीं है कि फाइव सेंटीमीटर सिक्स ऐसा कुछ भी नहीं दिया, इसका मतलब गारंटेड है कि आपको ये दो टेस्ट से जाना ही नहीं। कौन से टेस्ट के बारे में पूछना पड़ेगा? ए। और ए टेस्ट का मतलब होता है इसके दो एंगल उसके भी दो एंगल इक्वल बताने। तो पहले ट्रायंगल का नाम लो, फिर ट्रायंगल बताओ क्वेश्चन में कौन से दो ट्रायंगल सिमिलर बोलने के लिए बोला था उन्हें, कहा उन्हें नाम भी दिया नहीं, उन्हें कहा कि स्टेट बीच ऑफ टू ट्रायंगल कौन से दो ट्रायंगल सिमिलर, बताओ कौन से दो ट्रायंगल सिमिलर हो सकते हैं। एक ट्रायंगल इसमें कौन सा है, वो एक एबीसी बड़ा ट्रायंगल, एबीसी कौन सा ट्रायंगल बड़ा और दूसरा एक छोटा बनता है बीईसीडी या सीडीई ऐसा भी नाम लिखो ना पहले है। अब इनकी रफ फिगर मैं बोल रहा था ना आपको, रफ फिगर निकालो, ये एबीसीडी है ए बी और सी और डी सी की है डी सी और ई, इसमें बी कितने का है 70, इसमें डी कितने का है
इसको बोलते हैं एबीसी बराबर बी 75 बीसी, ये अलग फिगर दिखाना है। और इन दो ट्रायंगल को हम सिमिलर बता सकते हैं, मतलब कौन सी टेस्ट किया है अपने पास अभी, ए टेस्ट बची है वही, क्योंकि ऐसे ऐसे तो कैंसिल कर दिए हुई, तो बताओ इसका कौन सा एंगल उसके कौन से एंगल से सीधा है। अब थोड़ा नाम दो लेटर में लिखने की प्रैक्टिस करो, तीन लेटर में बी अकेला लिखा तो भी चलेगा क्योंकि बी सिंगल है, लेकिन बताओ डी का नाम लेकिन सिंगल मत लिखना, मेन कभी भी नाम लिखते समय मेन फिगर को देखना चाहिए, बताओ इसका भी इसके डी के साथ। अब आप बताओ बी कितना है 75, सिंगल लेटर में नाम चल जाएगा क्योंकि बी अकेला चाहिए, लेकिन डी अकेला नहीं है, डी के कितने एंगल है 2, इसलिए डी का नाम तुम्हें कैसा लिखना चाहिए 3 लेटर में, कैसे यहाँ पे मत देखना, यहाँ पे देख के बताना कि 3 लेटर आएगा, आएगा 3 लेटर में, नाम यहाँ से लिखना, लेकिन डी 3 लेटर में लिखना है सिंगल लेटर में, वो यहाँ से समझेगा वहाँ से नहीं समझेगा, यहाँ पे देखो समझता है डी 2-2 है, इसलिए कौन सा डी है भाई, तो वो 3 लेटर में नाम लिखना पड़ेगा और बी 1 लेटर में चलेगा, तो लिखो डी का नाम, क्या है डी का नाम सी डी, और बी का नाम सिंगल लिखा तो भी चलेगा, क्या कर दी इसका 3 भी लिखा तो इसका भी 3 भी लिख देते हैं ऐसा, तो बताओ बी का नाम क्या है, बोलो रीजन क्या है क्यों इक्वल है, आपको रीजन क्या बता दें, एफ जी ई ट्रिपल सी ट्रिपल ए, तो उसमें से कौन सा लगा ई यानी इक्वल, बताओ दूसरा कौन सा एंगल इक्वल है सी, लेकिन एंगल इक्वल होना हो ये कभी फिगर से नहीं, ये नाम से नहीं समझता, बताओ सही में क्यों इक्वल है सी सी के साथ, सही में कॉमन एंगल है, कॉमन एंगल मेन फिगर से समझता है यहाँ से नहीं समझता, मेन फिगर से बताओ सी कॉमन एंगल है, ये वाला सी दोनों में है क्या, सी का कॉर्नर चेक करना, क्या चेक करना, बताओ ये वाला कॉर्नर दोनों ट्रायंगल में आ रहा है क्या, बताओ बड़े ट्रायंगल पर हाथ घुमाओ हाथ घुमाओ, बताओ वो कॉर्नर आया क्या, आया क्या वो कॉर्नर, तो छोटे में हाथ घुमाओ वही कॉर्नर आया क्या, वही कॉर्नर दोनों में आना चाहिए, इसका मतलब सी कौन सा एंगल है कॉमन एंगल, को डिटेल में पढ़े थे प्रैक्टिस घर में, वो बेसिक अच्छे से करना, तो सी कॉमन एंगल है ना, अब नाम यहाँ से लिखना, नाम वहाँ से नहीं लिखना, नाम यहाँ पे देख के लिखना, वो इजी जाता है, बताओ सी का नाम क्या लिखो, इजी समझता है ना क्या है सी का नाम, सी बीच में बोलना है, सी का नाम है क्या, सी बीच में बोलो क्या ए सी, और उसके सी का नाम डी सी ई बोलो या ई सी डी, बताओ रीजन दोनों इक्वल क्यों पता है, अरे आपको एक रीजन बताया था एफ जी ई ट्रिपल सी ट्रिपल ए सी कौन सा था कॉमन एंगल, एक सी कौन सा था सी एस टी सी ए सी टी, एक सी कौन सा था करस्पॉन्डिंग एंगल्स इन पैरेलल एंगल, लगेगी नहीं ए अल्टरनेट एंगल्स इन पैरेलल, दूसरा ए एंगल एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड, और लास्ट वाला वो पूरा बेसिक लर्न नहीं मिल रहा है ना, हाँ तो बताओ इसके दो एंगल और उसके दो एंगल कैसे इक्वल है ना, कारण अलग अलग होंगे, ये एज ऑफ 75 था ये कॉमन एंगल था, कारण अलग लेकिन इक्वल, अब बोलो क्या होगा, दो ट्रायंगल क्या है सिमिलर, नाम वहाँ पे दिया है क्या, छाप दो वहाँ पे दिया हमने नहीं दिया ना, बोलो बताओ रीजन बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, बोलो पहले का नाम ए बी सी दूसरे का नाम सी, बताओ इधर रफ फिगर इसलिए तो निकालते हैं, बताओ इसका नाम ए बी सी का उसका नाम क्या है, पहले का नाम कैसा लिखते हैं ना, दूसरे का सोच समझ के बताओ, सोच समझ के बताओ तीन लेटर जोड़ी पता है तुम्हें, बताओ ए का जोड़ीदार कौन है, सर ए का जोड़ीदार नहीं पता, हाँ बी का पता है, हाँ बी का डी है, तो बी बीच में तो डी भी कहाँ बैठेगा, सी का कौन है, सी एंडिंग में तो सी भी कहाँ बैठेगा, एंडिंग में कुछ लेटर बचा है, ओके तो ट्रायंगल सिमिलर बाय ए टेस्ट ऑफ सी।